नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ राजस्थान की फेमस डिश शेयर करने वाली हूँ, दाल बाटी चूरमा। तो पहले हम अपनी दाल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उनको उसको भिगो के रखना है हमें। ये हमने थोड़ी सी उड़द की दाल ली है, ये हमने हरहर की दाल ली है, ये हमारी चने की दाल है, ये हमारी मसूर की दाल है, और ये हमारी मूंग की हरे वाली दाल है। आपके पास घर में जो भी दालें हों आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पांच लिए हैं तो आप भी पांच ही लेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इस दाल को धोएंगे दो तीन बार, उसके बाद हम इसको आधा घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे, उसके बाद हम इसको कुकर में डालेंगे। मैं दिखाती हूँ आगे आपको। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है दाल भिगोए हुए, तो मैं इसमें कुकर में डाल देती हूँ। दो गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। एक चम्मच मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ढक्कन लगाएंगे। दो सीटी लगानी है बस, फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, हम अपनी दाल देख लेते हैं। ये दाल बहुत अच्छे से गल गई है। हम इसके लिए छोंक तैयार करते हैं। मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड कर दिया। जीरा तड़क गया है तो इसमें मैं एक प्याज ऐड कर रही हूँ। सोखी हुई प्याज ऐड कर दी है मैंने। ये अदरक लहसुन का कद्दूकस करके रखा हुआ है मैंने, आधा चम्मच के करीब ये मैं ऐड कर रही हूँ। और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का गोल्डन होने तक हम ऐसे ही भूनेंगे। टमाटर एक लिया मैंने बड़ा। इसको हल्का पकने देंगे। इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तेल इतने टमाटर ने ऑयल, देखो ऑयल छोड़ दिया है साइडों पे से। नमक ऐड कर रही हूँ मैं आधा चम्मच। नमक हम पहले बॉईल करने दाल में डाल चुके हैं आधा चम्मच, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ये गरम मसाला और सूखा धनिया दोनों मिक्स का पेस्ट है आधा चम्मच, और ये मिर्च है 1/4 टेबल स्पून। इसको हम हल्का सा पकाएंगे।
दाल ऐड करेंगे हम। देखिए दाल हमारी हो चुकी है। हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। हम इसका स्पेशल तड़का तैयार कर रहे हैं। एक पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, ये देख पा रहे होंगे आप, 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। हमारा देसी घी गर्म हो गया, इसमें हम 1/4 टेबल स्पून हींग ऐड कर रहे हैं। सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच के करीब मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए स्पेशल तड़का लग गया हमारा। दाल देखिए तो हम अब बाटी की तैयारी करते हैं। तो गाइस हम आटा लगा लेते हैं अपनी बाटियों के लिए। एक कप आटा डाल रही हूँ। आधा कप और आटा ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 कप आटा ऐड किया मैंने। 1/4 कप सूजी है, सूजी मोटी ली है मैंने, इससे बाटियां हमारी खस्ता करारी बनेंगी। हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए आधा टेबल स्पून के करीब ये अजवाइन है, मैंने तवे पे इसको भून लिया और हाथों से क्रश कर लिया है। इससे हमारा बाटियों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और ये हमारा 1 पिंच खाने का सोडा है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारी 1 पिंच के करीब हल्दी है कलर के लिए। इसको हम मिक्स करेंगे। और ये हमारा देसी घी है मोम के लिए, ये मैं देखिए डाल रही हूँ। हमें अभी पानी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही घी में ही करना है ताकि ये तैयार हो जाए। तब तक करना है लड्डू की तरह ये ऐसे बन जाए। देखो जैसे हमें इसे पानी ऐड करने की जरूरत होगी तो हम पानी अभी ऐड करेंगे। और देखिए ऐसे बनना चाहिए।
ये देखिए ऐसे बनना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं, अगर ठंड है तो आप हल्का गुनगुना ले सकते हैं। एक साथ ही ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और आटे को गूंदना है, ना ज़्यादा टाइट गूंदना है इस आटे को और ना ज़्यादा लूज छोड़ना है, मीडियम। हम धीरे धीरे इसको गूंद लेंगे। ये हम डो तैयार कर लेते हैं आटा गूंद के। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपनी बाटियाँ तोड़ेंगे। और ये देखिए एक कप पानी लिया था मैंने और उसमें ये 1 टेबल स्पून पानी बच रहा है, इसको हम ढक के रख देंगे 15-20 मिनट रेस्ट के लिए। ये छोड़ दिया हमने 15-20 मिनट रेस्ट के लिए। तो हम अपने डो को देख लेते हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं। इसको हम हाथों से थोड़ा सा थोड़ा सा ही मलना है, ज़्यादा नहीं। अब हम अपनी लोइयां बनाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम बनानी है बाटियां, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी और ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी, ये देखते रहिए आप। ये ऐसे फैला लेना है जैसे हम स्टफ पराठा बनाते हैं, थोड़ा सा फैला लेना है हल्का सा थम से। बस इसको अब इकट्ठा करना है। इसको बांध लेना है ऐसे गोल गोल। ये देखिए ऐसे ही हम सारी अपनी बाटियां बना बना के रख देंगे। ये देखिए इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे हम सारी बाटियां तैयार कर लेते हैं। इतने डो में से हमारी 8 लोइयां तैयार हो गई हैं। ये देखिए ये 2 थोड़ी सी मोटी कर दी हैं, इनका हम चूरमा बनाएंगे। और ये 6 डिप करके मैं दिखाती हूँ आगे। इसको 10 मिनट के लिए कम करेंगे गैस को, और हमने इसकी लीड भी निकाल दी है और सीटी भी निकाल दी है और इसको बंद कर दिया। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने बाटियाँ लगा दी है, कुकर में सेट कर दी हैं, आप देख पा रहे होंगे। हमने रबड़ भी निकाल लिए, सीटी भी निकाल लिए। 10 मिनट के लिए बाद हम इसको बाटियों को पलटेंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम खोल के देखते हैं। ये देखिए आराम से कुकर गर्म है, वाओ क्रैक्स भी आ गए हैं, कलर भी आ गया है। तो हम अपनी सारी बाटियों को पलट देते हैं हल्का सा। इस पे पहले घी लगाएंगे सारी बाटियों पे, हल्का सा घी लगाएंगे ताकि वो भी अच्छे से सिक जाए। हम सारी बाटियों को पलट देते हैं आराम से, कुकर बहुत गर्म है, धीरे से ध्यान से।
वाओ क्या कलर है, क्या बात है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे गाइस कितना अच्छा कलर आया, और देखो कैसे क्रैक्स पड़ गए हैं। बाटिया बिल्कुल एकदम ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। अभी हम 10 मिनट कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इस साइड से सेकेंगे। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं अभी कुकर खोल के। वाओ क्रैक्स आ गए हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे क्रैक्स आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो हम अब चूरमा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने बाटियां निकाल ली हैं, अब इन दो बाटियों का जो बड़ी बड़ी है उनको हम चूरमा तैयार करते हैं। ये देखो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, गरम है अभी तो, ये देखो वाओ। तो इनका हम चूरमा तैयार करते हैं। अभी देखिए दोस्तों मैंने मिक्सी में ये दुरदुरा करना है, ज़्यादा महीन इसका ये नहीं बनाना, दो बाटी का किया था मैंने। तो अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे, ये मैंने बादाम लिए हैं 4-5 और इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, और ये कुछ काजू है 5-6 पीस, और ये हमारी बूरा है इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा चूरमा तैयार हो गया है। अभी हम इसमें देखो मैंने बाटी में गूंथते टाइम आटे में डाला था घी मोयम, तो देखो कितना सॉफ्ट हो रहा है, घी अलग ही दिख रहा है बाटियों में। तो हमें चूरमे में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं घी। मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखो पार्टी को हमें ऐसे घी में डिप करना है, ऑप्शनल है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप इनको सूखा भी खा सकते हैं, मगर इसको घी से ही डिप करके ही खाया जाता है। ये देखिए हम इन्हें निकाल लेते हैं सारी बाटियों को घी में डिप करके। 2 बाटियां मैंने घी में डिप नहीं की थी जिनका हमें चूरमा बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी उनमें घी था पहले से। ये देखिए मैंने अपनी सारी बाटियां घी में डिप कर ली है, आप कम ज्यादा घी कर सकते हैं और भी डाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम सर्व कर रहे हैं। ये हम अपना चूरमा भी ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये हो गई हमारी राजस्थानी थाली तैयार। तो प्लीज गाइस इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।